mind would rather live in my pocket. सियासी गलियारों में बयानबाजियों की सरगर्मी अक्सर ही एक न एक विवाद को जन्म देती ही रहती है। अभी हालिया मामला निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का है, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर अब विवाद तेज हो गया है। लोग इस बात की चर्चा करने में लगे हैं कि देश के PCS और IAS जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम को क्वालिफाई करके आने वाले अफसर जो उस पोस्ट पर जनता की समस्या के समाधान के लिए बैठे हैं, क्या वो ऐसे नेताओं के गुलाम हैं या फिर उन्हें ये नेता अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं कि जिसे जैसे चाहेंगे जब चाहेंगे तब नचाएंगे, क्योंकि उनका बयान कुछ कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है। फिलहाल उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा वो आप भी सुन लीजिए। खाली जय निषाद राम का नारा लिखो, कोई पुलिस वाला तुम्हें रे नहीं बोल पाएगा, आगे से जाके नहीं बताएगा। अपनी गाड़ी में जय निषाद राम का झंडा लगा लो, सर पर टोपी लगा लो, तो ऐसा नमस्कार करेगा इस मीडियम में आज के दिन में मान उजा रहे थे भैया। अब हमारे समाज को क्या मांग दिया, हमारा वो कहना ही नहीं चाहते हैं। तेज बोलो बोलो। अरे यार अलग के और अलग है, मल्ला अलग है, दिन अलग है, कश्यप अलग है, भीमा अलग है, लयकार अलग है, त्रय अलग है, आसन अलग है, नोदी अलग है, सब अलग अलग रहोगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मछली विभाग कैबिनेट मंत्री हाथरस में एक कार्यक्रम के दौरान अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करने में शायद ये भूल गए कि वो क्या बयान दे रहे हैं और सिर्फ निषाद पार्टी का झंडा और टोपी लगा लो, SP DM सब सलाम करेंगे जैसी विवादास्पद टिप्पणी करके अपने लिए एक नया बवाल खड़ा कर लिया। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी BJP के सहयोगी दल के नेता ने ऐसी कोई बयानबाजी की हो, बल्कि इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा था पीला गमछा पहनकर थाने चले जाना, दरोगा फुल इज्जत देगा। इस बयान के बाद भी काफी बवाल मचा था। हम आपको बता दें कि वर्तमान में ओम प्रकाश राजभर उर्फ पीला गमछा वाले चाचा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं। तो राजभर से लेकर संजय निषाद के इस बढ़े हुए मनोबल के पीछे क्या लाल गमछे का वर्चस्व है? आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें कॉमेंट में लिखें और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए #भारत के साथ।